तो वो पकड़ा गया, पर कैसे? हिकमत, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जख्म अभी तक भरा नहीं है, सैसे को तुम्हें मार देता। फिलिज, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ चाहे वो जो कुछ भी करता, लेकिन उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। सिसिक, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुमने माफी मांगने का नहीं बल्कि काबिले तारीफ काम किया है। गॉड ब्लेस यू, तुमने गिव अप नहीं किया, हिम्मत करके उसे पकड़वा दिया। सच में ये करना आसान बात नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक अच्छी खबर है। क्या उसे जॉब मिल गई? हाँ, फिर इसने बहुत मुश्किल से ये जॉब हासिल की है। क्लाइंट मान ही नहीं रहा था, कल मॉर्निंग से ही स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों से दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। आप जैसी लेडीज पर सच में फख्र होता है। मतलब आपने कैसे जिंदगी में हर मुश्किल का सामना किया है। आजकल की नई लड़कियों को आपसे सीखना चाहिए कि समझदारी और हिम्मत क्या होती है, पर ये नई लड़कियां बिल्कुल बेकार हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ठीक है? छोटी सी पार्टी करते हैं या फिर हम सब फिल्म देखने चलते हैं? ओके। लेकिन किराज अभी तक नहीं लौटी ना। किराज कहाँ? फिलिस, हेलो बरिस, हेलो फिलिस, फिलिस क्या हुआ? उसी का फोन था क्या? हाँ, और उसने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। वो फिर से कोई स्टुपिडिटी कर रहा होगा। तुम इतना क्यों सोच रही हो? उसने कहा है ना वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। मेरी बात सुनो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्रैश के आने के बाद एक छोटी सी पार्टी करते हैं प्लीज, हम सबको एक ब्रेक की जरूरत है। हाँ अच्छा आइडिया है, वो तो दिन में आ जाएगी। फीको, फीको कहाँ है? हाँ? मुझे नहीं पता। फीको आज सारा दिन घर से बाहर है। हाँ दीदी, पता नहीं, मैं तो यही लेटा हुआ हूँ। वो शायद अपने दोस्तों के साथ होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, स्कूल का सस्पेंशन उसके लिए सजा है या मजा? मैंने तुमसे सुबह ही कहा था ना, वो बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? खुद भी डरती हो, दूसरों को भी डराती हो। टेंशन मत लो। ठीक है, मैं खाना बनाकर उसे बुला लूंगी। मैं आ गई हूँ ना, मैं बनाती हूँ सबके लिए खाना। मैं भी हेल्प करती हूँ, थैंक गॉड हम सब साथ में हैं। ऊपर वाले का शुक्र है। हम किसी स्ट्रेंजर को यहाँ घुसने नहीं देंगे, अब हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे, समझे? हमारे मोहल्ले में तुम्हारे शराबी डैड की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। उसने मेरे भाई को हर्ट किया है, जब तक उसे पकड़ नहीं लेंगे कोई भी घर नहीं जाएगा। फिको, वो पकड़ा गया, वो अंकल वास्पी के घर में छुपा हुआ था। सच में? सुना तुमने, हमारे मोहल्ले में कोई भी सेफ नहीं है, हम घर नहीं जा सकते, हमें यहाँ का प्रोटेक्शन खुद करना होगा। हाँ, वो लड़का हमारे लिए काम करेगा? क्यों नहीं करेगा, उसे डूड बनने का बड़ा शौक है। हाँ, मुझे आसानी से यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बकवास बंद करो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। अपनी बकवास बंद करो, कब से तुम फैमिली को पॉइंट आउट कर रहे हो? क्या कहा तुमने? ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। इतनी देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ, किसी की फैमिली को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ। वापस लौट कर मत आना, वरना मार डालूंगा। काम डाउन, काम डाउन। तुम तो बहुत हिम्मत वाले लड़के हो यार। हाँ हाँ, लेकिन वो सबके सब डरपोक निकले। अच्छा, तो तुम इस मोहल्ले में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? किसी न किसी को तो ये करना पड़ेगा ना। तो तुम अकेले नहीं कर सकते, और तुम्हारी मदद वो नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। पर तुम कौन हो? कह सकते हो हम इस मोहल्ले के नए प्रोटेक्टर्स हैं। कम ऑन, चलो मेरे साथ। तुम्हारे भाई को किसी ने हर्ट किया क्या?